पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता रमेश चंद गुप्ता और उनके अन्य सहयोगियों के साथ नगर निगम के चौकी इंचार्ज द्वारा अभद्रता किए जाने के विरोध में व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चौकी इंचार्ज के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर SSP को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मणिनाथ गुप्ता, रविशंकर, योगेन्द्र दुबे, अजय जायसवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष दीनानाथ मोदनवाल और पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता ने कहा, दीनानाथ मोदनवाल, जिला अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल। ये हमारे व्यापारी नेता प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के रमेश चंद गुप्ता के साथ चौकी इंचार्ज नगर निगम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में हम लोग जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या मांग है? मांग है कि तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज को नगर निगम चौकी से हटाया जाए और जिले के अनंत बाहर भेजा जाए। नगर निगम चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी के कार्य व्यवहार एवं कार्यप्रणाली से नाराज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता से मिला। कल मंगलवार को 8:30 बजे घोष कंपनी चौराहे के पास एक ठेले वाले को जो है नगर निगम चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी ने पहले तो उसे गाली दी और तमाम धमकियां देने लगे। क्षुब्ध व्यापारी इकट्ठा हो गए और हम लोगों ने पहुंच करके जो है अमित चतुर्वेदी का जो है विरोध किया और कहा कि अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाएं। और आज जब व्यापारी पूरे महानगर के जब इस घटना की जानकारी मिली तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर के जो है उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि तत्काल इसे यहाँ से हटावें। उन्होंने SPCD विनय कुमार सिंह को इसकी जानकारी लेकर के जो है कहा कि 3 दिन के अंदर इसकी जांच करके मेरे पास ले आए और जांच के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसे हटा देंगे। अगर यह चुनाव की घोषणा नहीं होती तो मैं आज इसे ही निलंबित कर देता। इसके कार्यप्रणाली और उसके व्यवहार से जो है यहाँ के व्यापारी काफ़ी खफा हैं। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमने ये भी बताया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, शाम को शास्त्री चौराहे के पास जितने भी ठेले लगते हैं उनको उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं और उनसे पैसा वसूला जाता है। इसके पहले जो है वहाँ एक प्रजापति सिपाही था, उससे भी धन उगाही की जाती थी। आज उसका कंप्लेन होने के बाद जो है उसे यहाँ से हटा दिया गया है और अन्य जनपद में स्थानांतरित किया गया है।